मोदी सरकार को संसद में बड़ी कामयाबी मिली है। एक दशक से अटके पड़े देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार से जुड़े बिल जीएसटी को राज्यसभा में बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया है। इसके साथ ही अब अपने देश में भी एक देश एक टैक्स का सपना साकार हो जाएगा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं राज्यसभा में जीएसटी बिल पास होने के ठीक बाद की, क्योंकि जिस राज्यसभा की वजह से ये बिल अटका हुआ था वहां से ये बिल बिना विरोध के पास हो गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए सभी दलों का आभार व्यक्त किया है। Everybody has voted in favor of the bill and almost every state government is on board in order to implement one of the most important taxation reforms in India itself. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा, ये देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है, राज्यसभा ने जीएसटी बिल पास कर दिया है। देश के सांसद इस बिल को पास कराने के लिए बधाई के पात्र हैं। सरकार आगे भी सभी दलों के लिए मिलकर काम करती रहेगी। 16 साल पहले वाजपेयी सरकार ने इस बिल को संसद में पेश किया था। यूपी सरकार ने भी इस बिल को पारित करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में इस बिल को पास कराना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन संसद के मानसून सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक में जीएसटी बिल पास कराने की पीएम मोदी की अपील रंग लाई और ये बिल ऐतिहासिक आंकड़े से पास हो गया। बिल के समर्थन में सदन में उपस्थित सभी 203 सदस्यों ने वोट दिए, विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। बिल के समर्थन में 197 वोट पड़े। आपको बता दें कि संसद में पारित किए गए जीएसटी बिल में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत 1% इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन टैक्स हटाया गया है। अब राज्यों को 5 साल तक 100% नुकसान की भरपाई की जाएगी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। यानी वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे करों की जगह सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा। हालांकि शराब को इस टैक्स से बाहर रखा गया है। जीएसटी के फायदों पर बात की जाए तो संविधान के मुताबिक केंद्र और सरकारें अपने हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगा सकती है। अगर कोई कंपनी या कारखाना एक राज्य में अपने उत्पादन बनाकर दूसरे राज्य में बेचता है तो उसे कई तरह के टैक्स दोनों राज्यों को चुकाने होते हैं, जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। जीएसटी लागू होने से उत्पाद की कीमत में कमी आएगी। जीएसटी लागू होने पर कंपनियों और व्यापारियों को भी फायदा होगा। जब सामान बनाने की लागत घटेगी तो इससे सामान सस्ता भी होगा। आइए आपको बताते हैं कि क्या है जीएसटी बिल, क्या होंगे इसके फायदे और आखिर किस तरह से ये काम करेगा। ये बिल कैसे काम करेगा इस पर बात की जाए तो जीएसटी के 3 अंग होंगे, केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। केंद्रीय और इंटीग्रेटेड जीएसटी केंद्र लागू करेगा, जबकि राज्य जीएसटी राज्य सरकारें लागू करेंगी। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल से तो कई राज्यों का आधा बजट चलता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने राज्यों को राहत देते हुए मंजूरी दे दी है कि वे इन वस्तुओं पर शुरुआती सालों में टैक्स लेते रहें। राज्यों का जो भी नुकसान होगा केंद्र उसकी भरपाई 5 साल तक करेगा। राज्यसभा से यह बिल पास कर दिया गया है। अब इस बिल को लोकसभा में भी पेश किया जाएगा, जहां से बिल को पास कराना सरकार के लिए आसान होगा। इसके बाद बिल को कम से कम 15 राज्यों से मंजूरी लेनी होगी, जिसके बाद राष्ट्रपति बिल पर हस्ताक्षर करेंगे और तब जाकर यह बिल अमल में लाया जा सकेगा। देखते रहिए डीवी लाइव।